देखिए मैंने पैन लिया है, उस पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था और मेरी आदत है मैं वादे को निभाती हूँ। पैन उसमें कितना भी खर्चा हूँ, मैं 7 बजे लेती, मैं सीधा आपके सामने ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने राई ली है, तो मैं राई ऐड करूंगी अभी इसमें, और फिर मैं अनियन ऐड करूंगी, 1 अनियन। ये है राई और ये अनियन, 1 अनियन, 1 मीडियम अनियन। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी दोनों के साथ। अगर हम साथ ये खाली खाली ये डालते हैं, सिर्फ राई डालते हैं, तो राई इतना बाहर निकल जाती है कि वो राई सारे में फैल जाती है। अगर हम दोनों चीजें मिक्स करके डालेंगे तो वो राई फैलेगी नहीं। ये भी एक ट्रिक है, देखिए मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जा रही हूँ। मैंने ऐड कर दिया, अब ये छोटे हो जाएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाला। आप देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं, और इस फिलिंग को हम डोसे की फिलिंग, मतलब ये है हमारी आलू मसाला फिलिंग है। इससे हम सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इससे हम स्टफ पराठा भी बना सकते हैं, तो इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। चलिए अभी फिर मिलते हैं। देखिए मैं डोसा पैन रख लिया, मेरा नहीं है क्योंकि मैं नहीं बनाती साउथ इंडियन कुजिन्स, मेरा जो था वो खराब हो गया, तो जो बनाते हैं उड़िया उड़ीसा के जो फ्रेंड हैं इनके, तो ये उनके वहां से मैं लाई थी। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर वाटर, और आप देखिए डोसे का बैटर है, वैसे तो गाढ़ा होता है लेकिन मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला के इसको पतला कर लिया है। जब हम पतला लेते हैं ना, तभी हमारा जो डोसा है वो पतला और क्रिस्पी बनता है। अगर हम गाढ़ा लेते हैं तो वो मोटा और क्रिस्पी नहीं बन पाता, मतलब मोटा रह जाता है, क्रिस्पी नहीं होता। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें वाटर, और मैं इसे तोड़ लूंगी मंदा गैस पे, और एक कॉटन के कपड़े से हम पोंछ लेंगे इसको, और इसको मंदा कर लेंगे। और मैंने बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम को मीडियम कर लिया है, क्योंकि इसकी वजह से फिर हमारा सही से स्प्रेड हो जाता है। अगर ज्यादा गर्म हो ना तो स्प्रेड नहीं हो पाता, मतलब वो चिपकने लग जाता है अगर ज्यादा गर्म हो तो इसलिए मैंने कर लिया है इसको मीडियम हीट पे। अभी बस अब मैं इसको कर लूंगी, ये मेनली डोसा है हमारा, और अब मैं इसको कर लूंगी हाई हीट पे।
ताकि जल्दी जल्दी क्रिस्पी हो जाए। अब आप देख रहे हो कि मोटा मोटा लग रहा है, लेकिन ये जब बन जाएगा ना तो बिल्कुल क्रिस्पी और थिन हो जाएगा। और सबसे पहले मैं जो खाना परोस रही हूँ अपने ससुर जी को दे रही हूँ, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। देखिए आप धीरे धीरे क्रिस्पी होने लगा है और अपनी मतलब नीचे से जगह छोड़ने लग जाएगा। जब ये पूरा ऊपर से पक जाएगा और नीचे से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे। देखिए पूरा निकल गया है, बस रेडी है। अब इसमें मैं आलू स्प्रेड कर लूंगी, थोड़ा सा और होने देते हैं। देखो बिल्कुल क्रिस्पी होने लग रहा है। मैंने बहुत बड़े शेफ का अभी मतलब कल ही देखा था मसाला डोसा का, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना बड़ा शेफ होते हुए भी वो मतलब अच्छा नहीं बनाते, इतना मोटा था और ना ही वो क्रिस्पी हुआ था। और ये सब अन्नपूर्णा माता की कृपा है कि मैं थोड़ा खाना अच्छा बना लेती हूँ। आप लोगों को भी बताऊंगी एक मंत्र, अगर हम जिसको दिल से मतलब खाना दिल से बनाएं। देखिए बिल्कुल ही ये इतना अच्छा इसका क्रिस्प आया है, बिल्कुल राउंड ये हो गया है। आप देखिए देखिए ये हमारा मिनी डोसा बिल्कुल क्रिस्प और थिन बन के तैयार हो गया है। और ये मैंने थाली तैयार कर दी है ससुर जी के लिए, आप देख सकते हैं। ये सांभर है, ये चटनी है, नारियल और ये डोसा है। तो हमारी सांभर थाली तैयार हो चुकी है, सिंपल सी। मैंने इसमें कुकर में ऑयल को हीट कर लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। और इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली थी, ये सारी वेजिटेबल्स हैं, पम्पकिन, अनियन, टमाटो और ये है आपकी लौकी, ये सब मैंने काट लिया था। और ये कैरेट, तो मैं सारा इसमें डाल दूंगी। मेरा हीट हो चुका है ऑयल, मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे साउथ इंडियन के साथ साथ नॉर्थ इंडियन खाना भी बनाना है। करेले की सब्जी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, उनके लिए बना रहा हूँ। और ये सब मैं बना रही हूँ, जो इतना सारा सांभर ये मैं बना रही हूँ दो फैमिलीज के लिए, यानी कि इसमें जो दो फैमिलीज के लिए मैं बना रही हूँ। मेरे जो ये बल्कि एक और फ्रेंड है तो उनके लिए भी मतलब ये सांभर बन रहा है। इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से जैसे बॉईल करके बनाते हैं तो उसमें मतलब अच्छा ग्लोस लुक नहीं आ पाता सांभर का। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो श्योरली हमारा सांभर अच्छा बनेगा, मतलब उसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा, थोड़ा सा यूनिक बनेगा, थोड़ा सा अलग सा बनेगा। तो हमें थोड़ा वेजिटेबल्स को तोड़ते कीजिए, थोड़ा फ्राई करना है इनको। और मैं आपको क्या बताऊंगी, नमस्कार कहना चाहूंगी आप सबको और शुक्रिया आप लोगों का वॉचिंग के लिए। मुझे इसे भी मतलब नॉर्थ इंडियन खाना भी बनाना है, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए बनाना। अभी आप देख रही हैं थोड़ी सी सही से फ्राई हो गई है, तो इसमें मैंने मेथी दाना ऐड नहीं किया था, मैं भूल गई बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने ऐड भी दाना है। और इसे मेथी दाना और हींग मैं अभी ऐड कर रही हूँ। इसमें ये हींग है और मेथी दाना है जो मैंने अभी ऐड किया है। आप पहले ऐड कीजिए क्योंकि मेथी दाना डाले बिना इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। आप देखिए सॉल्ट है, टर्मरिक है और ये चिली है, रेड चिली, बट ये तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी है। और ये सांभर मसाला है एवरेस्ट का, तो मैं सारा ऐड कर रही हूँ एक साथ ही। सॉल्ट जो भी है, सॉल्ट और चिली जो भी आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जल्दी इसको फ्राई कर लेंगे इस मसाले को। हम मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, काम करूँगी ना। देखो कितना अच्छा मतलब लग रहा है ये, देखिए। अगर हम इसको बॉईल कर देते तो ये मतलब इतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसमें मेथी मैंने बाद में ऐड करी, लेकिन आप इसको शुरू में थोड़ी सी मेथी ऐड कीजिए, तड़का मारिए मेथी का इसमें। और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना मसाले को। हो गया है, ज़्यादा नहीं करना। मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ खाना, और माता अन्नपूर्णा की कृपा से मेरा खाना अच्छा बन जाता है।
क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले उनका नाम थी, और मैं आपको बता रही हूँ मुझे बहुत जल्दी हो रही है, तो मैं ऐड कर रही हूँ ये दाल, अरहर की दाल। अरहर की दाल की सांभर बनता है। अब इसमें जब हम ये पक जाएगा, इसमें 7-8 विसल हो जाएंगी, मतलब हमारा पूरा मैशी हो जाना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, हमारी दाल बिल्कुल इसमें मिल जानी चाहिए, खड़ी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्मूथ कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो हम इसमें 7-8 विसल लगाएंगे, हम काफ़ी सारा पानी ऐड करेंगे ताकि पतला बने। और जो हम टैमरिंग है, टैमरिंग का जो मैंने टैमरिंग भिगो के रख दिया, मैंने इमली को भिगो के रख दिया है, और तो इस तो जब ये पक जाएगा, इसमें जब ये पूरा अच्छे से गल जाएगी दाल 7-8 विसल लग के, तो उसके बाद हम टैमरिंड ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा पकाते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत थोड़ा सा तेल लेके उसके बाद राई का तड़का और लाल मिर्च का तड़का हम डालते हैं इसलिए। और मेरे पास ड्रमस्टिक अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ड्रमस्टिक नहीं डाली। ज़रूरी नहीं है कि ड्रमस्टिक अवेलेबल हो, बट ड्रमस्टिक से टेस्ट बढ़ जाता है। चलिए अब इसमें वाटर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ, मैंने ये बाउल में वाटर डालता है, आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं आपको कितना वाटर चाहिए। हम लोगों को वाटर चाहिए, तो मैं इसको 3-4 इसमें मैंने एक डाल दिया ये भर के, अब मैं 2 और डालूंगी। इतनी जल्दबाजी में वीडियो बनाना था बड़ा ही मुश्किल था, पर आप लोगों से वादा किया था तो इसलिए बना दी, क्योंकि मैं ये सांभर वगैरह रोज नहीं बनाती। आप देखिए मैंने पानी को कहाँ तक भर दिया, क्योंकि मेरे को इसकी थीम मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, मेरे को थीम चाहिए, पतला चाहिए सांभर, मेरे को नहीं चाहिए सांभर ऐसा बिल्कुल गाढ़ा, वो पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता वो। तो चलिए अब हम इसमें एक बार नमक चेक कर लेती हूँ, मैं हमेशा नमक चेक करती हूँ। ठीक है, थोड़ा कम है, थोड़ा और ऐड कर देते हैं नमक, सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड कर, दैट्स इनफ, क्योंकि मैं हमेशा नमक चेक करती हूँ। अब इसी हम बिजली के लिए इसको तैयार करते हैं। अब इसमें हम ये कुकर में इसका ढक्कन लगा देंगे, इसकी लिड लगा देंगे, और अब इसमें विसल्स लगेंगी, और मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। आप देखिए अब इसमें मैंने 5-6 विसल लगा ली, मैंने 7-8 नहीं लगाई क्योंकि टाइम नहीं था। और मैं इसमें अब ये पक चुका है, देखिए वाटर ही है, क्योंकि जब थोड़ा सूप टाइप का या रहता है वो थिक हो जाता ना, तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसमें रेड कलर फिर भी नहीं आया। देखिए पता नहीं आजकल कश्मीरी मिर्च को क्या हो रखा है, रेड कलर देती नहीं। ये टैमरिंड वाटर है और मैंने स्ट्रेन किया है, कुछ लोग इमली ऐसे ही डाल देते हैं, उससे बहुत ही मतलब खराब टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता वो, तो मैंने टैमरिंड वाटर भी ऐड कर दिया है। और इसमें मैं 1 सीटी लगा लूंगी, क्योंकि इसमें जो दाल है ना आप देखिए, वो भी थोड़े थोड़े खड़े खड़े से उसके दाने हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए खड़े खड़े से इसके दाने हैं, जो कि खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, मैश हो जाना चाहिए दाल पूरी। तो 1 या 2 सीटी में इसमें लगवा लेती हूँ, उसके बाद हम तड़का मारेंगे और हमारा सांभर तैयार, और उसके बाद मैं आपको डोसा बना के दिखाऊंगी। देखिए मेरे सांभर पक गया, मैंने 1 विसल लगाती थी, इमली का भी वाटर इसमें ऐड कर दिया, और ये हमारा जो बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाद में तो दाल ठीक ही हो जाती है। बस इसमें अब हम तड़का मिलाएंगे। आप देखिए सारा भुन गया है, इसमें रेड चिल्ली में डाल दूंगी, और इसको हम जल्दी से डालेंगे सीधा पैन में। आप देखिए तो ये हमारा सांभर बन गया है, ये रेडी हो गया है, अब देखिए सब बन गया है।